आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पौधों में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का क्या तरीका है। प्लांट्स के बारे में अगर देखा जाए तो प्लांट में जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि वहां पे एक प्रॉपर एनिमल में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। प्लांट्स में ऐसा कुछ नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। इवन ये नर्वस सिस्टम नहीं पाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या देखते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स आर ऑल्सो सेंसिटिव। और एक्चुअली सेंसिटिविटी जो होती है वो किसी भी लिविंग थिंग्स का एक बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर है, तो प्लांट में भी होगा। बट विदाउट एनी नर्वस सिस्टम प्लांट्स आर ऑल्सो सेंसिटिव टू देयर सराउंडिंग। पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होने के बावजूद भी ये देखा गया है कि जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है या उसके इन्वायरमेंट में किसी तरीके का चेंज है, प्लांट्स उसके प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कोई भी पौधा है तो उसको अंधेरे कमरे में रखिए या खिड़की के पास में लगा कर रख दो, उसके बाद क्या होगा, वो खिड़की से बाहर की तरफ में मूव करेगा। जो भी लाइट का सोर्स है वो लाइट के सोर्स के तरफ में वो मूव करता है। तो क्या उसमें कोई ऐसा सेंस है कि वो पहचानता है कि उधर लाइट है, उधर चले जाना है। लेकिन हम इससे आइडिया क्या हमें मिलती है कि प्लांट्स आर ऑल्सो सेंसिटिव टू दी लाइट सोर्स। इतना तो है कि वो लाइट की तरफ में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइट की तरफ में वो मूव कर रहा है। फिर क्या देखते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे आप देखते हैं कि शाम ढलते ही उसमें क्या होते हैं, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, मुरझा जाती हैं। या फिर टच मी नॉट प्लांट मिमोसा, फिजिकली उसको जैसे ही टच करोगे वो क्या होगा, उसकी पत्तियां जो हैं श्रिंक करेगी, मुरझा जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि वो सेंसिटिव हैं, उसमें सेंसिटिविटी पाई जा रही है। तो या फिर पौधों का जड़ जड़ को देखा जाए तो जो उसके रूट्स हैं वो वाटर सोर्स की तरफ में वो मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके के देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स अराउंड अस इन विच प्लांट शो देयर सेंसिटिविटी। वो क्या करते हैं, वो अपने सेंसिटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं कि वो सेंसिटिव हैं किसके प्रति, अपने एक्सटर्नल चेंज के प्रति या इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई है उसके प्रति वो सेंसिटिव है। तो इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में हम लोग क्या देखना है, तो इसमें जो सेंसिटिविटी कारण जो उसमें मूवमेंट देखे जाते हैं वो चीज़ देखना है। इसमें इसमें आपका है क्या चीज़, तो ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, तो जैसे कि जियोट्रॉपिज्म है, एक सीड लगाया, सीड को फेंक दिया, उसके बाद में क्या है, उसके जड़ें हैं, तो जड़ें कहाँ जाती हैं, टुवर्ड्स द सॉयल एंड देयर शूट अबव द सॉयल एरियल पार्ट, तो वो ऊपर की तरफ में जाता है, वो जो कि हम लोगों को जियोट्रॉपिज में देखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज। उसके बाद क्या देखते हैं, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में जियोट्रॉपिज हाइड्रोट्रॉपिज केमोट्रॉपिज्म तो ट्रॉपिक मूवमेंट में देखना है। एक्चुअली ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ये ग्रोथ के कारण होते हैं और किधर होते हैं, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, ये डायरेक्शनल है, ध्यान में रखना है कि ये ग्रोथ के कारण है और डायरेक्शनल है, किधर होगा, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई के तरफ में होते हैं। कोई भी बाहरी किसी तरीके का एक्सटर्नल चेंज है, लाइक द लाइट सोर्स, लाइट इज स्टिमुलाई, वो उसके ओर इसका ग्रोथ होगा और मूवमेंट होगा। जियोट्रॉपिज में, हाइड्रोट्रॉपिज में, ये केमोट्रॉपिज, ये सब क्या है, टुवर्ड्स दी, तो ये डायरेक्शनल है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होंगे ये डायरेक्शनल मूवमेंट है और ग्रोथ के कारण है। दूसरा आपका है नेस्टिक मूवमेंट, ये थिग्मोट्रॉपिज क्या देखते हैं, क्लिम्बर प्लांट्स, वो क्या करते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के लपेट कर उसको ऊपर की तरफ में चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो क्लिम्बर प्लांट्स होते हैं उसमें ये आसानी से देखा जा सकता है, लाइक दी बिटर गॉर्ड, करेला होता है उसमें आप देख सकते हैं, लौकी है उस सब में आप देख सकते हैं। तो थिग्मोट्रॉपिज,
इसके बाद में हमारा है नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट का बड़ा है बेहतर एग्जांपल है मिमोसा प्लांट, छुईमुई का पौधा। उसमें हम क्या देखते हैं, ये डायरेक्शनल नहीं है। दिस इज द की कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द नेस्टिक मूवमेंट, इट इज डायरेक्शनल एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल टू द स्टिमुलाई, ये स्टिमुलस की ओर नहीं हो रहा है। जैसे ही आप छूते हैं वो पत्तियां श्रिंक करती है विपरीत दिशा में, उसी के ओर नहीं। जबकि फोटोट्रॉपीज में क्या देखते हैं, तो लाइट की ओर मूवमेंट हो रहा है प्लांट का। तो ये हो गया आपका नेस्टिक मूवमेंट लाइक दी मिमोसा प्लांट, ये नॉन डायरेक्शनल है। इसमें क्या है, ग्रोथ के कारण भी है या ग्रोथ के कारण नहीं भी है, दोनों केस इसमें हो सकते हैं। तो इसमें मिमोसा प्लांट का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो ये हमारे क्विक रिव्यू के लिए या रिविजन के लिए है। ये हो गया हमारा कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इसमें थोड़ा हम लोग देखेंगे इसके हॉर्मोन्स, ठीक है, इसमें देखेंगे हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स जो इसमें प्लांट में पाए जाते हैं, जो इसके टोटल हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हॉर्मोन्स के कारण ही पौधों में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होते हैं, अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स देखे जाते हैं, ये हॉर्मोन्स के कारण है। तो ये हॉर्मोन्स और जो नेस्टिक मूवमेंट स्पेशली है, ये ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, सेल के में ऑस्मोसिस जो पढ़ा होगा उसमें आपको ध्यान पे होगा टर्जिडिटी, सेल किस तरीके से टर्जिड हो जाते हैं जब पूरे तरीके से एबनॉर्मली वो पानी जो वाटर है कंटेंट है वो फुल्ली सेल जो है उससे भर जाते हैं। तो वो हो गया आपका टर्जिडिटी। तो इसके चेंज के कारण इसमें नेस्टिक मूवमेंट दिखाई देता है, या ग्रोथ के कारण भी कई बार उसमें देखे जा सकते हैं, लाइक दी ब्लॉसम्स ऑफ दी फ्लावर। किस तरीके, तो कोई फ्लावर है जो कि 10 बजे खिलेगा, कोई है शाम में खिलेगा, तो अलग अलग में देखे जा सकते हैं। हॉर्मोन्स में हम लोगों का है, प्लांट में जो हॉर्मोन है वो दो टाइप के हैं, क्या है, ग्रोथ हॉर्मोन है, ग्रोथ हॉर्मोन्स। तो ग्रोथ हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान पे रखना है ग्रोथ हॉर्मोन्स तीन तरीके के हो गए, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड दी साइटोकाइनेस। काम किसका क्या है, तो सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन। तो ये सेल को क्या करता है, प्रोमोट करता है। तो ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन भी आप इसको लिख सकते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। और दूसरा आपका है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, दूसरा है आपका ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ को सप्रेस करेगा, रोकेगा, इसका विपरीत है प्रोमोटर के, जिसमें हम लोगों ने देखा है एबीए एबेसिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो इन सभी का फंक्शन है इसके रेगुलेशन में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। थैंक यू।